ਆ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਛਿੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਖੜਾ ਹੋ। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल और अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ फियाज़ भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और आज का ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये कुछ बहन भाइयों के कहने पे बना रहा हूँ। और कुछ दिनों से एक बहन की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आज उनके कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उनका जिन्होंने ये ज़्यादा फरमाइश की थी तो आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा उनका स्क्रीन शॉट। और उनका भी चैनल है, आपने उनके चैनल पर भी जाना है, विज़िट ज़रूर करना है। उनके भी हालात ठीक नहीं है, जो हालात ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके चैनल पे प्लीज़ प्लीज़ और विज़िट ज़रूर कीजिएगा। एक तो उन्हें जॉब नहीं मिल रही, ऊपर से उन पे काफ़ी ज़्यादा बोझ है और वो घर में सबसे बहन बड़ी हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर उनका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, अर्निंग होने लग जाती है तो उनके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर हमारी ज़ात किसी के हालात घर के हालात बेहतर कर दे तो हमें प्लीज़ उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जो वायरस फैला हुआ है हर मुल्क में तबाही मचा रखी है, जो ज़िंदगी है इसने क्या से क्या ज़िंदगी को बना दिया और लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं, कोई काम काज नहीं कर सकते और कुछ खा पी नहीं ला, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा। हमारे पाकिस्तान में तो फिर भी मिल रहा है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में मुझे मैसेज आते हैं कि भाई यहाँ तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता, कुछ लाने के लिए नहीं दिया जाता, जो भी घर में मौजूद है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, बाहर से कुछ ला नहीं सकते। पाकिस्तान में तो फिर भी चीज़ें मिल रही हैं और जिस तरह मेडिकल स्टोर हो गया, किराने की दुकानें वगैरह हो गई जिधर से हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता है तो वो ओपन है। तो पाकिस्तान में वैसे तो लॉकडाउन किया गया है, लेकिन जो कुछ दुकानें कुछ स्टोर वगैरह हैं जिन्हें ओपन रखा गया है लोगों के लिए कि कुछ खरीद सकें, बिला वजह निकलने नहीं दिया जा रहा, डबल सवारी पे पाबंदी लगाई हुई है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन जो मतलब उन्होंने रूल्स बनाए हैं उन्हें फॉलो करें, ताकि ये हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं यार। हम लोग मतलब नहीं मानते यार, मैंने कुछ देर पहले एक न्यूज़ देखी है, वहाँ लोग मतलब छुट्टियाँ हर अदारा बंद है, अब तो वो लोग घूमने के लिए गए हुए थे यार पहाड़ों में। तो यार कोई मतलब अपनी हिफाजत करो, आप लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं होगी लेकिन आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत होगी, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत होगी, आपकी बहनों को आपकी ज़रूरत होगी, आपकी माँ को आपकी ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के लिए ही घर में रह लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। जो चीज़ खाते हैं वो देख के खाएँ पिएँ, और खाने से पहले साबुन के साथ आप अच्छे से हाथ धोएँ, और हाथ धोने का जो दुरानिया है वो कम अज़ कम 20 सेकेंड, कम अज़ कम 20 सेकेंड से 30 सेकेंड का रखें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 1 मिनट भी धो लें तो कोई बुरी बात नहीं है, 1 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं, वैसे भी सारे दिन घर में फ्री पड़े रहते हैं। तो ये हमें कुछ करना चाहिए, देख सोच के चलना चाहिए, कुछ खाने पीने से पहले परहेज़ भी करनी चाहिए। अब देखिए कुछ आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, हालांकि बताया जा रहा है डॉक्टर कहते हैं कि ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें, ना कि ये गर्म पानी से ख़त्म हो जाता है तो गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाथ धोएँ और अपने बच्चों को बाहर गली वगैरह में ना जाने दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और मेरी खुद भी तबीयत नहीं ठीक थी तो अम्मी जी ने बोला है कि आपके लिए मैं कहवा बनाती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशक खांसी है, जो अलामत हैं वो कोरोना वायरस की वो ये हैं कि एक तो खुशक खांसी होती है, बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, मुझे ज़्यादा गले का मसला है। तो अम्मी जी ने बोला है कि मैं आपके लिए एक कहवा बनाती हूँ और तो इंशाल्लाह आपको उससे फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी ये शेयर करूँगा, अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिलाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। ये है जो पुराना सारा कुछ। हाँ चलें जी, अम्मी जी आप बनाने लगी हैं कहवा, और कहवा किस तरह बनाती हैं ये आपको दिखाते हैं फिर। अच्छा जी, अब अम्मी जी बताएंगी हमें कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम जी दस्य सौंफ, अजवैन, अदरक, आ छोटी इलायची दो, आ बड़ी इलायची, आ दालचीनी। अच्छा जी, दालचीनी और बड़ी इलायची और दो छोटी इलायचियाँ ली हैं अम्मी जी ने। ऊपर ऊपर कड़ी रखी है। हाँ पता है। दालचीनी, दालचीनी एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायचियाँ और सौंफ, जवैन और अदरक, इन सब का हम बनाएंगे जी कावा। और चीनी
अब अच्छी तरह पानी पकाएंगे और उसके बाद फिर चीनी और पत्ती वगैरह भी डालेंगे इसमें। अच्छी तरह पकाना है इसे। अब मुझे ना खांसी हट जाती है ना। तो ही मैं वो देख ली इसी तरह पका के। अब इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। अब और इसे अच्छी तरह पकाएंगे क्योंकि जितना अच्छा पकेगा पानी और ये सब चीज़ें उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें ऐड करेंगे पत्ती। ढाँप के रख देंगे और गैस को कर दिया बंद और इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये लें जी, कहवा हमारा बिल्कुल तैयार है और अब इसे पीते हैं। अच्छा जी, कावा पी लिया मैंने। कावा पी के मैंने थोड़ी देर आराम किया था और उसके बाद मैं फिर अब उठा हूँ। 2 घंटे के बाद उठा हूँ मैं, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिन मेरे बहन भाइयों को खांसी है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर मुझे कमेंट्स आते थे कि भाई आपको भी खांसी है, हमें भी खांसी है। तकरीबन ये क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो ये ऐसा सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको भी खांसी है। तो ये एक ये देखें, इधर भी ऐलान हो रहा है, यही बता रहे हैं कि 3 से 4 लोग इकट्ठे ना बैठें। अगर किसी को खांसी है तो उससे दूर रहें। अब मुझे खांसी है तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने घर वालों को दूर रखूं, उनकी जो चीज़ें वो खाते हैं वहां उनसे नहीं लेता, मैं अलग बर्तन में रखता हूं और अलग ही चीज़ें खाता हूँ, फिर भी परहेज़ भी करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी परहेज़ करें। अभी ये देखें, हम लोग देहात में रहते हैं हालाँकि, तो हमारे यहाँ भी इधर ऐलान शुरू हो गए हैं, सुबह से ऐलान हो रहे हैं कि सभी को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने इकट्ठे नहीं बैठना, दूर एक दूसरे से दूर रहें। अगर किसी ने आप कहीं आते जाते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग गले मिलें, हाथ मिलाएं, तो आप लोग दूर से भी सलाम दुआ कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है तो सारा कुछ है, अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई ये परहेज़ कर लें, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। घर से बाहर ना निकलें, मजबूरी हो तो जाएं वरना नहीं जाएं। अगर जाना भी है तो अपने हाथों को ढांप के जाएं और उसके साथ अपने मुंह पे मास्क लगा के जाएं या हेलमेट वगैरह पहन के जाएं, और घर जब वापस आएं आते अपना हाथ मुंह पाँव धो लें साबुन से अच्छी तरह, और उसके बाद फिर कुछ खाएं पिएं। तो जो भी चीज़ें लाएँ उन्हें भी ढांप के लाएँ, अच्छे तरीके से लाएँ, और खा के भी हाथ धो लें और खाना खाने से पहले भी हाथ धोएँ। तो प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि सभी को इससे भी आगाही मिल सके कि जो एक तो गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके अलावा आप लोग ठंडी चीज़ें ना खाएं और साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाथ पैर ज़्यादा धोएं, जब भी कोई काम करें थोड़ी देर बाद आप साबुन से हाथ धो लें और 1 मिनट तक कोशिश करें, 1 मिनट तक धोएँ और उसके बाद फिर कोई चीज़ खाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं कल फिर एक, तो इसी के साथ फिर हमें भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।